Hello friends, welcome to Synergy IAS Academy's official YouTube channel. My name is Rahi Mehta and I will be dealing with a very important topic in this video. This topic relates to the current affairs and the name of the topic is Waqf Amendment Bill 2024. So as we all know that in 2024, the government changed. The UPA government was uprooted and NDA took to power. And jab se NDA ne rule karna shuru kiya, 2014 se lekar 2024 tak, ऐसे बहुत कम इंस्टांसिस ही हुए हमारे देश के अंदर जब देश के अंदर किसी बिल को पास करवाने से पहले उस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी के पास भेजा गया हो। फिलहाल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंडिया में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया एंड इस बिल को डायरेक्टली पास करवाने की बजाय गवर्नमेंट हैज मूव्ड दिस बिल इनटू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इट मींस दिस इज अ वेरी कंटेंशियस बिल। This bill holds very much importance and इसको अगर हम ढंग से समझेंगे तो इसके implication जो है वो हमारे society के ऊपर बहुत ज़्यादा influential हो सकते हैं। अब ऐसा contentious bill जिसके लिए JPC बना दी गई, उसको अगर हम UPSC aspirant या HPSC aspirant या किसी भी state public service commission की तैयारी करने वाले अगर ढंग से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारी बेवकूफी रहेगी। That is why इस bill को in depth discuss करने के लिए, detail में discuss करने के लिए मैं ये video के माध्यम से आपके साथ बात करूंगा। इसमें हम इस बिल के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बिल के अंदर कौन कौन से कंटेंशियस इश्यूज हैं जिनको लेकर काफी ज्यादा डिसरप्शन पार्लियामेंट के अंदर क्रिएट हुई और एज सच सोसाइटी के अंदर इसको लेकर क्या चिंताएं हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हुआ क्या। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 was tabled in Lok Sabha recently by the Union Minister of Minority Affairs. ठीक है, किरण रिजिजू साहब है, Union Minister of Minority Affairs है, इन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया। तो हमारा बजट सेशन था, उस बजट सेशन के अंदर इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया। However, the bill has been met with strong criticism from the opposition parties who held it as unconstitutional, divisive and anti-minority. तो जो हमारी ओपोजिशन है उसके द्वारा आरोप लगाया गया है, कथित तौर से आरोप लगाया गया है दैट दिस बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज डिविसिव, ये समाज को तोड़ने वाला है एंड ये भारत के रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए इसका विरोध किया गया। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस बिल को ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट पर को ट्रांसफर कर दिया। ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनाई गई जिसके अंदर 31 मेंबर हैं, जिसमें से 21 मेंबर जो है वो लोकसभा से आएंगे एंड 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से आएंगे। सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर रहेंगे एंड ओपोजिशन पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। इस कमेटी को एक सही तय समय सीमा दी गई है, 6 महीने का इसको समय दिया गया है, जिसके अंतर्गत इस कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर दर्ज करवानी है। सरकार की इच्छा है कि वो उन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, मानकर इस बिल को अमेंडेड फॉर्म में भी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू पुश करवा सकती है, अदरवाइज उस कमेटी की रिकमेंडेशन को ना मानते हुए भी गवर्नमेंट जो है वो इस बिल को एज इट इज भी मूव करवा सकती है। ये तो रही बात कि अभी तक हो क्या गया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, विरोध हुआ, पार्लियामेंट में चला गया, अब किसको अमेंड करता है ये बिल। इससे पहले जो कानून था वो क्या था, वक्फ होता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं, इसको समझते हैं। So next, what is a waqf property? A waqf, also known as hubs or a mortmain property, is an inalienable charitable endowment established under Islamic law. यानी कि charitable endowment Islamic law के तहत जब establish की जाती है, जब कोई जमीन, घर, movable या immovable property किसी के द्वारा Islam के तहत दान में दे दी जाती है, उसे हम बोलते हैं waqf. ये इररिवोकेबल है, यानी कि एक बार अगर वक्फ क्रिएट कर दिया गया, एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी को अपनी वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तब आप उसको वापस नहीं ले सकते हो, वो हमेशा वक्फ ही रहेगी। इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी गिवन बाय मुस्लिम्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, या तो रिलीजियस पर्पस के लिए दान दी जा सकती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए और फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए भी वक्फ क्रिएट किया जा सकता है। द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंप्लाइड टू बी विद गॉड, हाउएवर द बेनिफिशरीज ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन बी डिफरेंट। आइए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वक्फ, द वक्फ कैन बी फॉर्म्ड थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट और इवन ओरली। तो वक्फ क्रिएट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, आप लिखित रूप में दे सकते हैं और आप किसी और अदर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मौखिक रूप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो आज से वक्फ प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी। तो तीन तरीकों से वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जा सकती है।
इसके अलावा अ प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड टू बी वक्फ इफ इट हैज बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी प्रॉपर्टी को कभी वक्फ डिक्लेयर ही नहीं किया गया बट उसको रिलीजियस पर्पसेस के लिए, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए एक लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, तब भी उस प्रॉपर्टी को वक्फ ऑटोमेटिकली डिक्लेयर किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के पास यह पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर उन्हें लगता है कि वो रिलीजियस और चैरिटेबल तरीके से किसी लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है तो वो उसे वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। Once a property is declared as waqf, its character changes forever and cannot be reversed. यानी कि एक बार अगर आपकी property waqf declare हो गई है, इसका character इसके बाद कभी change नहीं होगा, ये हमेशा waqf property के अंदर ही count होगी। आइए, governance structure for waqf in India. आप समझते हैं कि ये waqf properties को भारत के अंदर कैसे deal किया जाता है, कैसे इसकी governance system चलती है। सबसे पहले pre-colonial governance. The waqfs in India have been legally governed in India since 1913. तो 1913 में पहला कानून आया था waqfs को कंट्रोल करने के लिए, जिस कानून का नाम था The Muslim Waqf Validating Act. इसके बाद 1923 में इस कानून को चेंज कर दिया गया और नया कानून आया The Musliman Waqf Act. ठीक है जी, अंग्रेजों के समय के ये दोनों कानून थे। अगला, पोस्ट इंडिपेंडेंस सरकार ने क्या किया? सरकार ने The Central Waqf Act 1954 पास किया आजादी के बाद, and to provide for the regulation of the waqf. This act was ultimately replaced by the waqf act of 1995. to sabse pehle azadi ke baad 1954 mein ek kanoon aata hai, naam tha uska central waqf act, and uske baad 1995 mein ek kanoon aata hai jiske तहत waqf properties ki regulation aur unko kis prakar se manage karna hai ye administer kiya jata hai. Next, major provisions and institutional structure. So, इस वक्फ एक्ट के तहत इन वक्फ प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। द वक्फ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सर्वे कमिश्नर। इस सर्वे कमिश्नर का काम होगा कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है किसी भी एरिया के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, उन सबका सर्वे किया जाए, उनकी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को पेश की जाए। एक होगा मुतावली, नेक्स्ट होगा मुतावली यानी कि केयर टेकर। The Act provides for a mutawali caretaker who acts as a supervisor of the waqf properties. यानी कि जो भी waqf properties किसी एरिया में declare की जाएंगी, उसका supervision करने के लिए एक person appoint किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा mutawali. And next, management of waqf properties. Waqf properties are managed in a way that is similar to how properties under trust are managed under Indian Trust Act 1882. इस प्रकार से भारत में trust, जितने भी अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं उनके तहत जैसे प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाता है, वक्फ प्रॉपर्टीज को भी इसी कानून के आधार पर ही मैनेज किया जाता है। अगला, वक्फ बोर्ड। नेक्स्ट, क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड इज ए लीगल एंटिटी कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग, होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन कोर्ट। यानी कि ये आपके ऊपर केस भी डाल सकती है और आप भी इसके ऊपर केस डाल सकते हैं। It administers waqf properties, it recovers lost properties and sanctions the transfer of immovable waqf properties through sale, gift, mortgage, exchange or lease with at least 2/3 of the board members voting in favor of the transaction. यानी कि अगर कोई भी waqf property को बेचना है, gift के रूप में किसी और को देना है, mortgage करना है यानी कि उस पर loan लेना है, exchange करना है, lease पर देना है, तो वक्फ बोर्ड ऐसा कर सकता है। और हर स्टेट के लेवल के ऊपर वक्फ बोर्ड जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, अगर 2/3 मेंबर इस चीज को मंजूरी दे देते हैं तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो आने वाली प्रॉपर्टी है उसको सेल, गिफ्ट, मोर्टगेज, एक्सचेंज या फिर लीज पर दिया जा सकता है, उसका करेक्टर चेंज किया जा सकता है। बट 2/3 लोगों को इसके फेवर में, इस ट्रांजेक्शन के फेवर में वोट करना कंपल्सरी रहेगा, तभी ये चीज हो पाएगी। Next, the Central Waqf Council, established in 1964, oversees and advises state-level Waqf Board across India. तो ये Waqf Board तो state level पर बने हुए हैं, इनके ऊपर है आपकी Central Waqf Council जो 1964 में बनाई गई थी, जो सभी state Waqf Board को advise करती है, उनको oversee करती है और उनको सही तरीके से काम करने के लिए recommendations देती रहती है। इसके अलावा, a Waqf Board is a legal entity. Okay, it can be sued. And sued, ये हमने पढ़ लिया। It is a body under the state government. Waqf board किसके तहत बनता है? State government के तहत बनता है। It works as a custodian for the waqf properties across the state. यानी कि जिस state के अंदर जितनी भी properties होंगी, वो सभी की सभी properties जो है वो waqf board जो है वो maintain करेगा, उसके custodian के रूप में वह काम करेगा। And ज्यादातर states के अंदर शिया मुसलमानों के लिए and सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग waqf board बनाए जाते हैं। Next, composition, waqf board के अंदर कौन कौन होता है?
वक्फ बोर्ड का एक चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा मेंबर कौन होंगे, वन और टू नॉमिनीज फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जब वक्फ बोर्ड बनाएगी तो अपने अधिकारियों में से कुछ एक या दो अधिकारियों को उसके अंदर नॉमिनेट करेगी। मुस्लिम लेजिस्लेटर्स जो स्टेट के अंदर होंगे, जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे मुस्लिम, उनको भी वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, उनको भी शामिल किया जाएगा। एंड रिकॉग्नाइज स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक थियोलॉजी, इनको भी वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे मुतावलीज जिनके पास वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी जिसकी एन्यूअल इनकम 1 लाख से ज्यादा है, उन मुतावलियों को भी वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड करेगा क्या, इट विल oversee the administration of the wakf properties and taking measures for the recovery of the lost properties of any wakf. जितनी भी wakf properties हैं उनको manage करना, उनको administer करना, और ऐसी wakf properties जो किसी और के control में चली गई है उसको वापस recover करना भी wakf board का काम है। इसके अलावा sanctioning यानी transfer, ये हमने अभी सुना कि 2/3 member अगर vote करते हैं तो wakf property को sale, gift, mortgage या exchange या lease के ऊपर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर वक्फ से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए बनाई गई है वक्फ ट्रिब्यूनल अंडर 1995 वक्फ एक्ट। सो द वक्फ एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए वक्फ ट्रिब्यूनल टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। द ट्रिब्यूनल्स डिसीजन इज टेकन एज फाइनल इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग ए प्रॉपर्टीज स्टेटस एज वक्फ, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये डिस्प्यूट है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो फाइनल माना जाएगा और इसके खिलाफ आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इस वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर होगा कौन कौन, एक चेयरपर्सन होगा जो स्टेट जुडिशियल ऑफिसर होगा एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन या फिर सिविल जज क्लास 1 से नीचे का ऑफिसर नहीं होगा। इसके साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज का एक व्यक्ति स्टेट वक्फ बोर्ड या स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल का हिस्सा होगा। इसके अलावा अ पर्सन विद नॉलेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस, ये व्यक्ति भी वक्फ ट्रिब्यूनल का हिस्सा रहेगा और इस वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वह फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, इसके खिलाफ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट, अब चेंजेस क्या आए हैं 1995 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग और अब वाला जो एक्ट पास हुआ है या अब जो इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, उसमें क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो नाम चेंज कर दिया गया। पहले इस कानून का नाम था द पेरेंट एक्ट, वाज नेम्ड एज वक्फ एक्ट 1995। अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, यानी कि 1995 वाले एक्ट को ही अमेंड करने वाला ये एक्ट है और नाम भी चेंज कर दिया गया। नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इसके बाद रजिस्ट्रेशन को लेकर 1995 वाले एक्ट में और अब वाले एक्ट में क्या बदलाव आया। सबसे पहले नो प्रोविजन फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को पहले मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं था, बट अब वाला जो कानून है ये प्रपोज कर रहा है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी उसको जिला कलेक्टरेट के ऑफिस के साथ इवेल्युएट कराना और रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, वो डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्या चेंजेस आए। अब चेंजेस आए क्रिएशन ऑफ वक्फ। पहले किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लेकर कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं था, बट अब अगर आप किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करते हो तो उसको लेकर नए प्रोविजंस आ चुके हैं। जैसे कि अ न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड व्हिच प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन कैन नॉट क्रिएट ए वक्फ अनलेस ही इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी। यानी कि अगर अब कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के काबिल नहीं है, अगर वो उस प्रॉपर्टी के राइट्स को चेंज करने के काबिल नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर या किसी और को डेडिकेट करने के काबिल नहीं है, तो वो वक्फ क्रिएट नहीं कर सकता है। जबकि पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता था और वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल हो सकती थी। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे देश में चल रहे हैं। देयर आर मोर देन 85,000+ केसेस इन इंडियन कोर्ट्स which are dealing with वक्फ cases, but court सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो फाइनल माना जाता है। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एज वक्फ। सरकारी प्रॉपर्टी को भी 1995 के कानून के आधार के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी माना जा सकता था, इसको लेकर कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं था, परंतु अब
गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टीज डिफाइन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है. गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड एज वक्फ प्रॉपर्टीज बिफोर और आफ्टर द एक्ट कमेंसमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज. अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चाहे इस कानून से पहले वक्फ डिक्लेयर की गई हो या बाद में डिक्लेयर की जाए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता है. नेक्स्ट अगला प्रोविजन रहेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन केस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड. अगर किसी भी गवर्नमेंट लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? वक्फ पहले होता था वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, अब इसका फैसला होगा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल डिसाइड वेदर ए प्रॉपर्टी इज वक्फ और गवर्नमेंट लैंड विद देयर डिसीजन बीइंग फाइनल. द कलेक्टर विल अपडेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल बनती थी जिसमें जुडिशरी के और स्टेट सिविल सर्विसेज के और मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल होते थे. अब यह पावर दे दी गई है डायरेक्ट जिला कलेक्टर को. जिला कलेक्टर का फैसला जो होगा वो किसी प्रॉपर्टी को, स्टेट प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने या वक्फ डिक्लेयर ना करने में फाइनल माना जाएगा. नेक्स्ट और क्या बदलाव है? पहले किसी प्रॉपर्टी को ओरली भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था, पर अब किसी प्रॉपर्टी को ओरली वक्फ नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है. आपके पास वक्फ नामा होना कंपलसरी है, तभी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जाएगा, वक्फ माना जाएगा, ओरल रिकॉग्निशन नहीं है. नेक्स्ट वक्फ बाय यूज 1995 वाले एक्ट के अंदर इट प्रोवाइडेड फॉर द वक्फ बाय यूज. दिस मींस दैट ए प्रॉपर्टी कुड बी डीम्ड टू बी वक्फ थ्रू यूज इवन इफ द ओरिजिनल डिक्लेरेशन इज सस्पेक्ट. 1995 के कानून के तहत किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ मान लिया जाता था अगर वो प्रॉपर्टी लंबे समय से चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, भले ही उसका जो ओरिजिनल डिक्लेरेशन हो वो सस्पेक्ट में हो. यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसने वक्फ डिक्लेयर करी, क्या उसके पास उसको डिक्लेयर करने का मालिकाना हक था या नहीं था? अगर नहीं भी था तब भी वक्फ बाय यूज प्रॉपर्टी मान ली जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा. इट ओमिट्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू द वक्फ बाय यूज. इट मेक्स ए वक्फ प्रॉपर्टी सस्पेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए वैलिड वक्फ नामा. अगर किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कोई वैलिड वक्फ नामा जुड़ा हुआ नहीं है, भले ही वो प्रॉपर्टी लंबे समय से चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसे वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. एंड लास्ट अपील मैकेनिज्म. पहले अपील मैकेनिज्म वक्फ ट्रिब्यूनल के पास थी जिसका डिसीजन फाइनल था, बट अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है हाई कोर्ट तक जा सकता है. यानी कि पहले आप जिला कलेक्टर के पास जाएंगे, वहां पर रिजोल्यूशन होगा, उसका फैसला आएगा, उसके फैसले को चैलेंज करते हुए आप हाई कोर्ट के ऊपर अपील कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑडिट ऑफ वक्फ. पहले ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जिसके तहत वक्फ प्रॉपर्टीज का या वक्फ बोर्ड का ऑडिट किया जा सकता था, परंतु अब सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या उसके द्वारा डेजिग्नेट किए गए ऑफिसर से इन वक्फ बोर्ड की ऑडिटिंग करवाई जा सकती है. इसके साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड पहले बनते थे उसमें वुमेन एंड नॉन मुस्लिम मेंबर्स अलाउड नहीं होते थे, बट अब ये जो कानून है इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम सीईओ एंड एट लीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू द स्टेट वक्फ बोर्ड. यानी कि इस कानून के तहत अब वुमेन एंड नॉन मुस्लिम मेंबर जो है वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं. So, ये कुछ बदलाव आए हैं 1995 के कानून में और अब जो सरकार ने 2024 के अंदर कानून वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया है. एंड थोड़े कंटेंशियस इश्यूज इसके अंदर मौजूद हैं. थोड़ी मुस्लिम माइनॉरिटी को इस प्रपोज्ड बिल से थोड़ी नाराजगी है, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस को इस प्रपोज्ड बिल से, एंड खासतौर पर ओपोजिशन को भी नाराजगी है. अभी तो जेपीसी के पास यह बिल जा चुका है, जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर दोबारा इस बिल के ऊपर लोकसभा सदन में चर्चा होगी, फिर देखते हैं कि इस बिल को अमेंडेड फॉर्म के अंदर या एज इट इज पास किया जाता है. जब दोबारा इस बिल के ऊपर सदन में चर्चा शुरू होगी, दोबारा इसके ऊपर अखबारों के अंदर चर्चित एडिटोरियल्स आएंगे, तब हम इसके ऊपर एक बार दोबारा वीडियो जरूर बनाएंगे. तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए. मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. धन्यवाद.